कातेगांव कन्नौज विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष शर्मा, पूर्व विधायक ब्रजमोहन धूत ने जनपद पंचायत सभागृह में ग्रामीण जनों को वन अधिकार अधिनियम 2006 अंतर्गत वनाधिकार पट्टों का वितरण किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर विजय गुज्जर, राजेश चौहान, राजेश जोशी, अनोखीलाल चौहान, प्रवीण धूत, एसडीएम नरेंद्र ध्रुवे, जनपद सीओ डॉक्टर प्रभावशु कुमार सिंह, खुमान सिंह सोलंकी, हरीश लोधवाला, सीताराम भगत, राधेश्याम सरलाम सहित अन्य अधिकारीगण तथा हितग्राहीगण उपस्थित थे। प्रदेश में 47 लाख लोगों को पात्रता पर्ची वितरित की गई। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन भी उपस्थित थे। नवीन पट्टा धारकों को साफा बांधकर माला पहनाकर श्रीफल देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम समापन के पश्चात जनपद सीओ प्रभाशु सीओ ने समस्त जनों का आभार माना। इसी कार्यक्रम के श्रृंखला में आज हमने 29 सितंबर को वनाधिकार पट्टे जो है उन्हें वितरित करने का कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत कन्नौज और खातेगांव सब डिवीजन से हमने 10 हितग्राहियों को सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए उन्हें गरीब अधिकार पत्र प्रदान किया गया है। थैंक यू सर। जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से जंगलों में रहने वाले हमारे वनवासी भाइयों को, आदिवासी भाइयों को वनाधिकार पट्टे का वितरण आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल से प्रारंभ किया है। कन्नौज में भी हमने सांकेतिक रूप से कोरोना की महामारी के चलते केवल 10 हितग्राहियों को पट्टा वितरण किया है। आने वाले समय में शेष जो लोग पात्र पाए गए हैं उन सबको भी बड़ा कार्यक्रम करके वनाधिकार पट्टों का वितरण कर दिया जाएगा। आदिवासी जो कि जल, जंगल, जमीन और प्रकृति के नज़दीक रहता है, वहीं से अपना जीवन यापन करता, वहीं से अपनी आजीविका चलाता, अनादिकाल से जंगल उसका घर है, प्राकृतिक निवास है। वहाँ पर उनके द्वारा जिस जमीन पर खेती की जा रही थी उसका अधिकार पत्र उन्हें वर्षों से नहीं मिल रहा था। शिवराज जी की सरकार ने पहल की और इस कारण से आज इन्हें वनाधिकार पट्टे का वितरण किया गया। मैं सभी आदिवासी भाइयों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले समय में और जितने लोग पात्र हितग्राही बचे हैं उन सबको पट्टा वितरण कर दिया जाए।